हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं मीनाक्षी जा फिर से मैं आ गई आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लास लेके। ओके बच्चों, दो इससे पहले मैंने दो क्लास लिया है आप लोगों का। फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था व्हाट इज केमिस्ट्री, उसका डिफिनेशन दिया था। सेकेंड था व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज मैं बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच क्यों मिला, उसे केमिस्ट्री के एक अलग ब्रांच के रूप में क्यों सेपरेट किया गया, उसके कितने रीजन है, क्या कारण है, इसके बारे में आज मैं आप लोग को पूरा डिफाइन करके बताऊंगी। ओके बच्चों, पढ़ाई मन लगा के कीजिएगा, ठीक। अगर मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ से हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके चले आज पढ़ाना स्टार्ट करें। चलिए क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ट्रीटेड एज सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ देम। वो क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं बताती हूँ। ये मेन 10 प्रॉपर्टी होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना। चलो आज ये 10 प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि जिन प्रॉपर्टीज के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच दिया गया, उसे एक अलग ब्रांच में सेपरेट किया गया। ठीक, ये अब मैं बताना स्टार्ट करूं। चलिए पहला क्या है, दे आर मेड ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन इत्यादि। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कुछ क्लासिफाई एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैं दे चुकी हूँ। जैसे क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इस सबसे ही मिलकर बने होते, इसीलिए इसको एक अलग ब्रांच में दिया गया। ओके सेकेंड, दूसरा क्या है, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज नंबर में है, लगभग ये 5 बिलियन है, मिलियन है, और डेली 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 इस लिस्ट में और नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो ऐड होते जा रहे हैं। ओके सेकेंड हो गया, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। थर्ड क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। जैसे क्या हुआ, वाटर, वाटर में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एक ये रीजन हुआ। फोर्थ, चौथा रीजन क्या है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक, फोर्थ हो गया। और फिफ्थ, दे हैव लो मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मल्टिंग पॉइंट ना तो ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा लो होता है, इसका लगभग लो ही होता है, हाई नहीं होता है। ठीक, अब इसके आगे में नंबर सिक्स क्या हुआ, दे एक्सहैबिट आइसोमेरिज्म। नंबर सिक्स, ये समावयवता रखते हैं। ठीक, नंबर सेवन क्या है, दे एक्सहैबिट्स होमोलोगी। अनुरूपता होती है इसमें, होमोलोगी। नंबर एट, दे अंडरगोस मोलेकुलर रिएक्शन। विच आर जनरली स्लो, जो जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो कहते हैं वो जनरली स्लो होता है। विच आर जनरली स्लो, जनरली स्लो, सो दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है।
they have complex structure. And 10th, covalent bond. 5 मैं पहले बता चुकी हूँ, और ये 5 और क्या है, दे एक हैबिट आइसोमेरिज्म, इसमें आइसोमेरिज्म का गुण होता है, दे समायविता होती है, दे एक हैबिट होमोलॉजी अनुरूपता होती है, दे अंडरगोज मोलिकुलर रिएक्शन विच आर जनरली स्लो. ये इनके अंदर जो मोलिकुलर रिएक्शन, इनके अंदर जो मोलिकुलर रिएक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, स्लो होता है. 9th क्या होता है, दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. एंड 10th क्या है, कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं. ये मेन 10 रीजन है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो और जनरल कंपाउंड से अलग होता है. इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या किया गया, केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया, इसे एक अलग ब्रांच में बना के रखा गया. आई बात समझ में, आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सो क्यों एक अलग ब्रांच के रूप में ट्रीटेड किया गया केमिस्ट्री को, ये इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने प्रॉपर्टी होते. ठीक, नेक्स्ट क्लास में क्या लूंगी, मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो इतने ज्यादा क्यों है, और हर दिन डेली डेली क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या रीजन है, इसके बारे में अगला क्लास में लूंगी. आज यहीं तक, मन लगा के पढ़िएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. ओके बच्चों, ठीक है, और सब ठीक ना, बाय, टेक केयर.